डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच हो गई है तेज। आरोपी की गाड़ी और घर पर रेड की गई। आरोपी के घर पर एफबीआई की छापेमारी। गाड़ी से मिला बम बनाने का सामान। हालांकि शूटर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया था। जांच चल रही है इस पूरे मामले में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर एक रैली को संबोधित करते हुए फायरिंग की गई, पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। देखिए, सवाल कई सारे हैं। ट्रंप की हत्या का प्रयास करने वाला आखिर हमलावर कौन था, ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। एफबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति के कान से लगते हुए गोली चली गई। अगर एक सेंटीमीटर भी चूक गए होते ट्रंप झुकने में, तो फिर ये गोली लग सकती थी ट्रंप को। अलग अलग थ्योरीज हालांकि सामने आ रही हैं, लेकिन जो बाइडन ये कह रहे हैं कि कोई भी अपनी थ्योरी ना लगाए, एफबीआई को जांच करने दे। एफबीआई पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर एक चुनावी जनसभा के दौरान जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने उन्हें एक बिल्डिंग की छत से टारगेट किया। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए प्रेसिडेंट को जिम्मेदार बताया है। वहीं ट्रंप पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग, कान पर गोली लगी, बाल बाल बचे, संदिग्ध शूटर मारा गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी ने दोस्त ट्रंप पर हुए अटैक को लेकर जताई चिंता। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। जब वे मंच पर बोल रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और नीचे झुक गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत ट्रंप को कवर करने पहुंचे। जब एजेंट्स ने ट्रंप को संभाला और उन्हें खड़े होने में मदद की, तो ट्रंप के चेहरे और कान पर खून नजर आया। इस दौरान ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई। इसके बाद सीक्रेट एजेंट ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बैठाकर वहां से ले गए। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हुई। तब अमेरिका में शनिवार शाम 6:30 बजे का समय था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। इसी बीच ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जब दो हमलावरों ने उन्हें टारगेट करते हुए गोलियां चला दी। ट्रंप पर अटैक की सूचना मिलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में कहा कि अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिजनों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैंने डोनाल्ड से संपर्क करने की कोशिश की है, वो अपने डॉक्टर के साथ हैं और ठीक हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पोस्ट में लिखा कि पूरा रक्षा विभाग इस हिंसा की निंदा करता है, जिसका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये वो तरीका नहीं है जिसे हम अमेरिका में अपने मतभेदों को सुलझाते हैं, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस में बड़े फेरबदल करने के सुर बुलंद हो रहे हैं। सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल को हटाने की भी मांग हो रखी है। बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी किम्बर्ली को हटाने की मांग की है। वहीं यूएस कांग्रेस ने किम्बर्ली को गवाही देने के लिए बुलाया है।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में बड़ी उथल पुथल मची है। यूएस कांग्रेस ने होमलैंड सिक्योरिटी और एफबीआई के अधिकारियों को भी तलब किया है। रिपोर्ट देखिए इस पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस चीफ पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के घेरे में रहते हैं, इसके बावजूद उन पर हमला कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद यूएस कांग्रेस के पैनल ने किम्बरली ए चीटल को बयान देने के लिए पेश होने को कहा है। किम्बरली चीटल ही अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं और उन्हें 22 जुलाई को गवाही देनी होगी। जॉनसन ने कहा कि सदन के सांसद जल्द से जल्द समिति की सुनवाई में सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल के साथ ही होमलैंड सिक्योरिटी और एफबीआई के अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेंगे। अमेरिकी लोगों को सच्चाई जानने का हक है। दरअसल चश्मदीदों के हवाले से आ रही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लोगों ने हमलावर को बिल्डिंग की छत पर जाते हुए देखा था और उसके हाथ में राइफल भी देखी थी। चश्मदीदों ने मीडिया को यह भी बताया कि उन्होंने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया भी था, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी एक चश्मदीद का बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया है और सीक्रेट सर्विस चीफ किम्बरली चीटल के इस्तीफे की मांग की है। मस्क ने कहा कि किम्बरली चीटल के साथ ही ट्रंप के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। किम्बरली चीटल को सितंबर 2022 में यूएस सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर नियुक्त किया गया। चीटल ने यूएस सीक्रेट सर्विस में 27 साल तक काम किया है। वो सीक्रेट सर्विस में ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑपरेशंस की सहायक निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। 2021 में किम्बरली चीटल को राष्ट्रपति रैंक से भी सम्मानित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी जनसभा के दौरान हमला किया गया था। हमलावर ने उन पर गोली चलाई थी जो ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। सीक्रेट सर्विस ने 20 साल के हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया था। हमले के बाद ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुए हमले के लिए यूएस में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।